एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बबली कंडारी। और मैंने वीडियो सारा शूट कर लिया, फिर मैं भूल गई कि मैंने वीडियो तो वेलकम करना तो भूल ही गई। तो चलिए, सबसे पहले आप सब लोगों को वेलकम है मेरे चैनल बबली कंडारी 01 में। और मैं तो बता ही दिया है, तो मैं बनाने जा रही हूँ पहाड़ी चश्मू जो उड़द की दाल से बनता है, बहुत ही टेस्टी होता है। मेरा चश्मा टेढ़ा हो गया यार, ये गिर गया ना, इसका फ्रेम टेढ़ा हो गया। तो यहाँ पे हमने ले लिए उड़द की दाल। उड़द की दाल तो चाहे आप धो के सुखा लीजिए, मतलब उसको धो ले जाए और फिर सुखा लो, चाहे तो अगर धोई नहीं है तो इस तरीके से मैं क्या करती हूँ, कपड़े पे जैसे रखी, क्योंकि ना ऐसे गीली दाल पीस नहीं पाती, तो इस तरीके से मतलब ऐसे मतलब साफ कुछ इस तरीके से कर लेंगे। कम पाउडर फॉर्म में नहीं पीसना, दरदरा पीसना है। अब कितना दरदरा पीसना है मैं आपको पीस के बताती हूँ। चलो मैं इसको साफ कर लेती हूँ, क्योंकि गीली दाल नहीं पीस पाते, ऐसी सूखी दाल पीसेगी उड़द की। अब देखना कितना अच्छा, कहीं कहीं पे चैसू बोलते हैं, कहीं कहीं पे फाड़ बोलते हैं। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। मैं मिक्सी निकाल देती हूँ पहले, तो मिक्सी भी हमारी बहुत पुरानी हो गई है, तो थोड़ा थोड़ा डाल के इसको हम पीस लेंगे दरदरा, ज़्यादा नहीं भरेंगे, थोड़ा थोड़ा डाल के। मैं मतलब इतनी सी दाल को दो बार पीस लूँगी। देखना इस तरीके से पीसना है दरदरा सा, बस इस तरीके से फॉर्म में होना चाहिए, ताकि ज़्यादा बारीक भी नहीं और ज़्यादा मोटा भी नहीं। बस मेरी बची हुई दाल को भी पीस लेती इसमें। यार बड़ा मुश्किल है हाथ से कैमरा पकड़ना दाल। चलो मैं इसको पीस लेती, तब दिखाती हूँ फिर आपको बाद में। तो यहाँ पे ये हमारा सारा पीस के तैयार हो गया, लेकिन ये मेरा मतलब दो तीन दिन के लिए चल जाएगा। ये मैं कितना बनाऊंगी नाप के कटोरी से बताती हूँ, वैसे तो मैं अंदाजे से ही डाल देती हूँ। यहाँ पे हम डाल देंगे, आप रिफाइंड मस्टर्ड ऑयल, जो भी जो ऑयल आप यूज़ करते हैं, कोई सा भी आप ऑयल ले सकते हैं। थोड़ा सा डाल देंगे छौंके के लिए, क्योंकि इसमें ना हमने प्याज डालना है ना टमाटर डालना है। यहाँ पर हमारा अब मैंने यहाँ पर डाला है राइस ब्रैन ऑयल यूज़ करा है, क्योंकि हम वही यूज़ करते हैं। तो सामान मैंने ये एक ले ली, एक कटोरी भरी नहीं, थोड़ी सी खाली है, एक कटोरी लिया है मैंने यहाँ पे वो पिसा हुआ। सामान इसमें ज़्यादा नहीं चाहिए, बिल्कुल सिंपल सोबर, बहुत ही टेस्टी है। हमारे गढ़वाल में तो बहुत बनाते हैं इसको, बहुत खाते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ले लिया हींग, वैसे हींग डलता नहीं है, लेकिन मैं डालती हूँ क्योंकि थोड़ा उड़द की दाल मतलब डाइजेस्ट नहीं होती जल्दी से। तो और यहाँ पे हरी मिर्च डालो तो बहुत अच्छा है, लेकिन हरी मिर्च हमारे घर है नहीं, मतलब हरी मिर्च की लाल मिर्च सूख गई, तो मैं इसी को डालूँगी। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर पेस्ट लिया है अदरक का, तो बस इन चीज़ों से ही बनाएंगे हम टेस्टी और स्वादिष्ट अपना चैसू। आप चैसू बोल लो और कुछ भी बोलते हैं, मुझे इतना ध्यान नहीं आ रहा। तो चलो सबसे पहले हम डाल देते हैं यहाँ पे हींग, फिर डाल देते हैं ये लाल मिर्च। हरी मिर्च डालोगे ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन हरी मिर्च अभी हमारे घर है नहीं। और ये है हमारे गढ़वाल का फेमस जख्या, इसके बगैर तो स्वाद ही नहीं है भाई। वैसे ऑनलाइन भी मिल जाता है जखिया, जखिया नहीं है तो ऐसे भी चलेगा, तो आप जीरा भी डाल दो चलेगा, ये भी चलेगा। बाद में ये जो पेस्ट है इसको भी डाल देंगे, हमें सबको डाल दो। और फिर डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी, ताकि हल्दी भून जाए। और डाल देंगे हम ये चैसू, थोड़ा तो दो मिनट तक हम भून लेंगे, भून के ना और भी अच्छा टेस्ट बढ़ जाता है। ना इसमें प्याज ना इसमें टमाटर, बस मैंने इसमें अदरक का पेस्ट, मिर्च, हींग और जीरा, बाकी जो हमारे गढ़वाल में मिलता है जखिया, उसी का छौंक लगाया है। बस एक दो मिनट तक ना इसको कम फ्लेम पे थोड़ा सा इसको ऐसे भून लेंगे हम, फिर इसको और भी अच्छा स्वाद आ जाता है। पानी तो मैं इसमें अंदाजे से डालती हूँ, नाप के बताती हूँ कि कितना डालना है। वैसे तो मैं पानी अंदाजे से डालती हूँ, लेकिन आपको बताने के लिए बता रही हूँ। मैंने एक कटोरी करीब जैसे ये दाल ली थी, तो छः कटोरी के करीब मैंने यहाँ पे पानी डाला है। तो अगर आपको अंदाजा ना हो तो ऐसे ही डालना, अगर आप इस तरीके से डाल रहे हैं। ये 5-6 लोगों के लिए बहुत है ये चैसू ना, तो बस इसी के लिए डालना, अच्छे से पकाना है इसको। इसको मैंने मतलब कम फ्लेम से थोड़ा सा ज़्यादा रखा था फ्लेम, और मैंने कम से कम 20-25 मिनट तक पकाया था। वैसे आप अपने अंदाजे से भी देख लेना जब ये गाढ़ा होने लग जाए। ये तो मैंने चावल के साथ के लिए बनाया है, हमने ये दिन में बनाया था, तो जब ये गाढ़ा होने लग जाए तो बस 20-25 मिनट तक पकाया है इसे, और बहुत ही टेस्टी। देंगे नमक भी आप अपने अनुसार ले सकते हैं, ये मतलब 5-6 जने के लिए तो काफ़ी है, बाकी ये है कि कौन कितना खाता है। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच भर भर के
नमक डाल दी क्योंकि ये मुझे चावल के साथ खाना है। और मिर्च मैंने यहाँ पे आधी चम्मच से थोड़ी ज़्यादा डाली क्योंकि तेज लगती है। तो नमक मिर्च आप अपने अनुसार डाल लेना, अगर आप चावल के साथ खा रहे हैं तो दो चम्मच इसमें नमक तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और एक चम्मच के करीब से मैंने डाल दिया ये धनिया पाउडर, थोड़ा हल्दी मुझे कम लग रही है, थोड़ा सा हल्दी मैं और डाल दूँगी, पक जाएगी वैसे हल्दी भी, थोड़ा सा मिर्च भी और डालूँ बस, थोड़ा जब ये पक जाए थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए तो इसको बंद कर देंगे। मैं ढक के रख देंगे क्योंकि फिर बाद इसका ढक्कन हटाना पड़ता है क्योंकि ये बॉयल होकर ऊपर आता है तो बिखर जाता है। तो 5 मिनट के लिए इसको ढक देंगे और आँच रखेंगे बिल्कुल कम, फिर जब ये बॉयल हो जाएगा उसके बाद इस पर ढक्कन नहीं रखेंगे, इसको फिर ऐसे ही पकाएंगे। तो यहाँ पे ये तैयार है, इस तरीके की कंसिस्टेंसी रखनी है क्योंकि मैंने चावल के साथ खाना है। कम से कम 20-25 मिनट का पकाया है मैंने इसको, ये इसकी कंसिस्टेंसी है। तो इसकी कंसिस्टेंसी मैंने इस तरीके से रखी है क्योंकि ये मैंने चावल के साथ के लिए बनाया है, इसकी कंसिस्टेंसी मैंने कुछ इस तरीके से रखी है। तो ये तैयार हो गया हमारा पहाड़ी चेचू बनके तैयार हो गया है और थोड़ा सा इसको हम कर देंगे डेकोरेट, होने से अच्छा लगता है डेकोरेशन करके। तैयार है हमारा पहाड़ी चेचू, तो मैंने धनिया से थोड़ा सा गार्निश कर दिया है इस तरीके से, जैसा भी आप करना चाहें। तो खाना तो हमारा रेडी हो चुका है, फुल वीडियो ये देखना चावल की, थोड़े से मैंने कहा डेकोरेशन करें ना अच्छा लगता है थोड़ा सा डेकोरेट करके। तो यहाँ पे मैंने चावल और ये तैयार कर लिया, अब फटाफट खा लेते हैं। ये वीडियो बनाने के चक्कर में पूरे 3 बज गए, वीडियो बनाने के चक्कर में 3 नहीं मतलब 2:30 बजने जा रहे हैं, 2:30 से भी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया टाइम।